थोड़ा सा माइंड का खेल है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है। देखो हमने यहाँ पे 88 रुपीज़ यहाँ पे हमने विन कर लिए, तो 30। तो दोस्तों अगर आप गुरु ट्रेड 7 से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि भाई आप हमें लाइव ट्रेडिंग करने की प्रोसेस बताओ, कैसे हम लाइव ट्रेडिंग करें, मतलब भाई रियल कैश से आप ऐड करो। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि रियल कैश ऐड करो और आप यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करके सिखाओ, और कैसे हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो शायद आपको नहीं पता होगी और जिस वजह से आप हार जाते हो या फिर आप पैसा कमा नहीं पाते। दोस्तों आपको यहाँ पे बताएंगे आप कितना कमा सकते हो या फिर हार जाओगे, जो भी होगा देखो सारा आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो गुरु ट्रेड 7 में तो देखो दो पहलू होते हैं, नंबर वन आप जीतोगे, नंबर सेकंड आप हारोगे। तो देखो दोनों चीज़ें आपको बताएंगे भाई कहाँ आप जीतते हो और कहाँ आप हारते हो, तो सारी चीज़ें देखो आपको हम हार करके भी दिखाएंगे भाई कब आप हारते हो, कितने आपको बैट करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आप देख लेना, क्योंकि आज की सिंगल वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों अगर आप अर्निंग से जुड़ी हुई न्यू एप्लीकेशंस, न्यू अर्निंग आइडियाज जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब कर लिया भाई, वीडियोस भी देखा करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम अजीत, आप देख रहे हैं टेक्नोजीट्रीव्यू चैनल, सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे गुरु ट्रेड 7 में ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं विड्रॉल कैसे करें, गुरु ट्रेड 7 की आप पूरी जनरलिटी जानना चाहते हैं, देखो वो सब वीडियोस तो देखो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। पूरी हमने रिव्यू करके आपको बताया भाई कितने हद तक एप्लीकेशन लीगल है, कितने हद तक आपको जेन्युइन है, लीगल अगर इंडिया में है या नहीं है, सारी चीज़ें देखो अगर आप जानना चाहते हो वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। देखो दोस्तों अब हम गुरु ट्रेड 7 ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे रियल कैश से आपको दिखाएंगे कि भैया कैसे आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है रियल कैश में, और कैसे आप जैसे रियल अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे, कितना आपको फ़ायदा होगा, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि भाई आप एक बार दिखा दो, आप बता दो, फिर हम यहाँ पे खेलेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ओके गाइज आप लोगों के लिए हम बता देते हैं आपको इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ करना रहता है या नहीं रहता है, कितना पैसा आप कमा पाओगे। देखो हम सिंपल सा आपको दिखाने के लिए देखो यहाँ पे डिपॉजिट करने वाले हैं। आप यहां से एक एक चीज़ देख लेना, आपको जो भी बंदे भाई लोगों को कुछ ऐसा भी डाउट था कि UPI से कैश एडिट नहीं हो रहा है तो वो भी बता देंगे। देखो देखो दोस्तों हम डिपॉजिट वाले सेक्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां पे हम सिंपल से भाई 200 रुपीज़ यानी 200 रुपीज़ डिपॉजिट कर देते हैं। पेटीएम नीचे ऑप्शन हमारे पास है, डिपॉजिट पर जैसे हम जाते हैं देखो यहां पे हमारे पास हमारा नंबर यहां पे शो हो जाता है, एंड UPI नेट बैंकिंग ये हमारा सेकंड अकाउंट है गुरु ट्रेड 7 का, हमारा जो मेन अकाउंट है वो दूसरा है। मैं आपको सिंपली बता दूं देखो यहां पे UPI का ऑप्शन भी आपके पास है, नेट बैंकिंग क्या भी है, आप पेटीएम से भी डायरेक्टली कर सकते हो। आप देखो दोस्तों हम आपको यहां पे 200 रुपीज़ का एड कैश कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखो दोस्तों हमने यहां पे पेमेंट कर दी है, और दोस्तों आपको मैं बता दूं हमारे चैनल पे जो भी चीज़ होती है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देखो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने देखो 200 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है, आप देख सकते हैं। अब देखो हम गो टू ट्रेड पे जाते हैं, मतलब हमारे पास 216 रुपीज़ टोटल हो चुके हैं, पहले हमारे पास 16 रुपीज़ इस वाले अकाउंट में पड़े हुए थे। आप देखो दोस्तों हमारे पास टोटल हो गए 216.20 रुपीज़। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एसेट मिल जाते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको यहाँ पे पूरी चीज़ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एसेट आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम वगैरह आपको मिल जाते हैं। देखो हम बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करना यहाँ पे प्रेफर करेंगे तो हम बिटकॉइन पे करेंगे, आप चाहे जिस मर्जी एसेट पे कर सकते हो, आप उसके बारे में एक बार सर्च कर लेना, रिव्यू कर लेना। अब देखो भाई कंटिन्यूसली आप लोगों को पता है कि लगातार कुछ टाइम से बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी भाई डाउन जाने की ही यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो एक ऑप्शन रहता है, जिस एक भाई का डाउट रहा था कि बाय इन वन क्लिक का ऑप्शन क्या, भाई जब बाय इन वन क्लिक पे आप क्लिक कर देते हो, मतलब ओके कर देते हो, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कॉल पे या फिर पुट पे आप क्लिक करोगे, मतलब अगर आपने कॉल पे या फिर पुट पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ एक क्लिक के साथ आपकी जो भी आपने मान लो 20 रुपीज़ लगाने, 50 रुपीज़ लगाने वो लग जाएंगे, जिस भी पॉइंट पे लगाने वो लग जाएंगे। आप देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं सिंपल से और यहाँ पे एक डेमो बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना। देखो यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, आप 50, 40। लेकिन हाँ आपको मैं पहले बता दूं, पहले समझ लेना, डेमो अकाउंट में सीख लेना एक बार, अगर आप लगाना भी चाहते हो इस पर पहले उस पर देखो कि एप्लीकेशन मतलब कितने आपको, बाकी आप सबको पता ही है। देखो दोस्तों अगर आपने हमारी रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही कि एप्लीकेशन कितनी हद तक ये जेन्युइन है और कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि आप मैक्सिमम कितना
यहाँ पे अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप विड्रॉल करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 1500 अमाउंट ही होता है, मतलब एक दिन में आप 1500 रुपीज़ तक ही हाईएस्ट अर्न कर पाओगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको 15 मिनट 3 मिनट एंड 30 मिनट एंड 1 आवर यहाँ पे टाइमिंग चली रहती है ग्राफ की, और ये लाइव ग्राफ चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ वगैरह की। अब देख लो दोस्तों कंटिन्यूसली कितना डाउन आया था ग्राफ एंड कंटिन्यूसली अब जा रहा है। अब ये ग्राफ डाउन आएगा, देखो दोस्तों हम यहाँ पे कॉल करते हैं भाई 20 रुपीज़ की डाउन पे। अब देखो फटाफट से हम इसको प्रोसेस होने देते हैं। अब देखो दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे ट्रेड लगाया है 20 रुपीज़ का, अब हमने क्या कहा भाई ये ग्राफ डाउन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई आप सबको अगर मार्केट की नॉलेज है, कैपिटल मार्केट की नॉलेज रखते हो आप, अगर बिटकॉइन की नॉलेज रखते हो, देखो दोस्तों आपको पता ही बिटकॉइन का भी करंटली रेट बहुत ज़्यादा डाउन आने वाला है, मतलब आ रहा है और आ भी आने वाला है इन फ्यूचर। तो मतलब इन फ्यूचर मतलब ये नहीं कि भाई मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, नहीं 3-4-5-10 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो यहाँ पे डाउन आ रहा है और कंटिन्यूसली डाउन आएगा भी कुछ टाइम तक इनका, क्योंकि रहता है अगर आप इस टाइम पे परचेस करोगे, मान लो भी जब डाउन आने वाला है इस टाइम पे परचेस करोगे अगर आप बिटकॉइन, तो आपको ज़्यादा फायदा भी रहेगा अगर आप कोई बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं। देखो हमने डाउन लगाया और ऑब्वियसली भाई ये डाउन ही जा रहा है ग्राफ अभी, तो हमारे ग्राफ के मतलब हमारे जो प्रिडिक्शन की है उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि भाई प्रिडिक्शन जैसे आप करोगे उसके अकॉर्डिंग, नहीं नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, भाई मेरे हाथ में तो मोबाइल फ़ोन है बट आपके हाथ में कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप इसको समझा पाओगे कि भाई तू जाओ डाउन जा या आप जा। देखो तो हमने डाउन लगाया और यहाँ पे हमें 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब ये हमने क्यों लगाया भाई डाउन? अब देखो हमने 1 आवर में जा करके इसकी पहले हमने ग्राफ देखा भाई, ऑब्वियसली पहले डाउन आया क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ तो डाउन जाने वाला है ना, बिटकॉइन तो डाउन जा रहा है अब जाएगा भी, तो भाई दोबारा से डाउन आएगा, मतलब पहले एक बार उछाल ऊपर लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो कोई भी करेंसी है, कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, कोई भी करेंसी है उसके ऊपर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जब आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उनका प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज होगा, मान लो आप रुपीज़ लगा रहे हो प्राइस इंक्रीज होगा, अब जैसे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो ऑब्वियसली प्राइस डाउन होता है, तो ये सब चीज़ें होती है सिंपल सी। अब देखो प्राइस अप गया ना, एक बार हम जीत गए अब प्राइस अप जाएगा। अब देखो दोस्तों आपको कंटिन्यूसली ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब बार बार ट्रेडिंग नहीं करनी है, GuruTrade 7 में या फिर कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन होगी, ओलिम्प ट्रेड होगी, कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कंटिन्यूसली आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ गैप दे करके ट्रेडिंग करनी है। अब देखो दोस्तों ये कंटिन्यूसली अब इंक्रीज हो रहा है, अगर हम 15 मिनट में ग्राफ में जाकर के देखें, हाँ ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर चला गया है ग्राफ। देखो दोस्तों अब हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि भाई ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है, अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं डाउन में, क्योंकि अब ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया है और इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप सबको अगर नॉलेज होगी कि भाई क्रिप्टो करेंसी में ये ग्राफ डाउन जा रहा है और यहाँ पे शायद हमने 30 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दिए, और गाइस ये गलती से कर रहे हैं, आप 20 से ही स्टार्टअप करना, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग हमेशा लो से करो और मैक्सिमम आप तब जाना जब आपको पूरा यहाँ पे बोलते हैं ना कि पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगी भाई हम बिल्कुल सही हैं, भाई हम सही कभी नहीं होते, क्योंकि ये ग्राफ है, ये सब कुछ उनके हाथ में है, फिक्स हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं ये हमें नहीं पता भाई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड से खेलोगे आप जीत सकते हो, अगर आप माइंड से नहीं खेलोगे तो आप हार जाओगे। अब देखो हमने यहाँ पे ग्राफ लगाया भाई, देखो हमने 30 रुपीज़ लगाया, ग्राफ हमारे मुताबिक नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता कि हम यहाँ पे जीतेंगे हारेंगे, अगर एट पॉइंट हमारा ग्राफ डाउन आ गया, वैसे डाउन आएगा ये मुझे पता है कि डाउन तो आएगा, बट अभी ये नहीं पता कि अभी डाउन आएगा थोड़ी देर में डाउन आएगा, तो ये चीज़ें देखने की रहती हैं कि भाई क्या मतलब कब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और गाइज ये डाउन आया और ये अब दोबारा चला गया और ये डाउन आ रहा है, और गाइज कितना रिस्की यहाँ पे चला है भाई, डाउन आ जा थोड़ा सा, अरे गया भाई, देखो मान लो देखो कितने से पॉइंट से मैं यहाँ पे मान लो 30 रुपीज़ लॉस कर गया हूँ। तो गाइज आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी, और ये ग्राफ डाउन आएगा, अब ये ग्राफ डाउन आएगा तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्राफ डाउन आएगा, हम यहाँ पे जैसे हमने 30 रुपीज़ का लॉस करा, तो यहाँ पे एक स्टेटस आपको मैं बताता हूँ, जब आपको समझ आ गया तो आपको खेलने का टेक्निक अगर आपको समझ आ गई तो हमने 50 रुपीज़ यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर हम 50 रुपीज़ जीत जाते हैं यहाँ पे तो हमें 88 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। तो गाइस जैसा हमने सोचा था, देखो ग्राफ अभी कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, तो जैसा ये दोस्तों थोड़ा सा माइंड का खेल है, थोड़ा सा माइंड का खेल है, कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है, देखो हमने यहाँ पे 88 रुपीज़ यहाँ पे हमने विन कर लिए, तो 30 रुपीज़ तो हम देखो गलती से हारे थे, तो मैंने आपको बताया भी था, तो हम यहाँ पे 88 रुपीज़ और जीत चुके हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे समझना रहेगा कि भैया हम कैसे यहाँ पे मतलब कोई ऐसे पॉइंट आपको ढूंढने होंगे। देखो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो कभी दोस्तों, ऐसे ग्राफ चला होता है ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ जब भी चला होता है कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन होगी या फिर ट्रेडिंग एप्लीकेशन होगी, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ दोस्तों, इतना इन्वेस्टमेंट करो जिस इन्वेस्टमेंट करने से आपको अगर वो चला भी जाए ना तो कोई मतलब लॉस ना हो, कोई दुख ना हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करना, मतलब ये नहीं कि आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दो और भैया आपकी पॉकेट मनी ही उतनी थी और आपने उतनी इन्वेस्टमेंट की, नहीं गाइस कभी मत करना, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मान लो आपका 1000 रुपीज़ आपका बजट है तो आप उसमें से 100 या 200 रुपीज़ ही इन्वेस्टमेंट करो, इससे ज़्यादा नहीं,
तो दोस्तों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहता कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्योंकि ये दोस्तों हमारे हमको कुछ नहीं पता है, बैकयार्ड में गेम्स चली होती हैं, पूरा ग्राफ उनके अकॉर्डिंग चला रहता है, फिक्सिंग होती है या कुछ भी। आप अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारा मोटिव रहता है कि आपको समझाया जाए कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, और दोस्तों इन चीज़ों से आप अगर जाते हो मतलब बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत लोग कर भी रहे हैं, हमारी टीम पे भी ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत अर्निंग करने हैं, महीनों में लाखों रुपीज अर्न करते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब ज़्यादा ही ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करो, इतना नहीं करना है। तो यार अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पे रियलिटी तो समझ आ ही गई होगी। देखो हाँ, अर्निंग होती है, पेमेंट आती है, सब कुछ आती है, बट हाँ कहीं ना कहीं रिस्की रहती है। तो जो लोग मैंने पहले सजेस्ट किया कि कहाँ पे खेलना ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो वो आप खेल सकते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इंस्टाग्राम पे अगर हमसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।